हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल डिलीशियस फूड बाय सुचित्र। आज मैं आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ डिलीशियस छिलका वाला मसूर का दाल रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन ये हेल्दी एंड टेस्टी भी है। तो ऐसे सिंपल दाल आप लोग कभी भी घर में बना के सर्व कर सकते हो। ये रोटी चावल सबके साथ ही बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो छिलका वाला मसूर का दाल है उसको देखिए बॉईल कर लिया है, और इधर मैंने कढ़ाई को बिठा दिया है और इसमें डाल दिया है घी। घी से ये दाल का टेस्ट अच्छी आती है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया एक तेजपत्ता, सूखा मिर्च और गरम मसाला। यहाँ पे प्याज लिया है एक बड़ा साइज का, एक टमाटर, पनीर और लहसुन को ऐसे कट कर लिया है, और एक हरा मिर्च। पनीर यहाँ पे ऑप्शनल है, मुझे पसंद है, मैंने दिया है। इसमें हेल्दी भी होती है और टेस्ट भी अच्छी आती है। आप लोग अगर पनीर नहीं देना चाहते हो तो बिना पनीर का भी आप लोग बना सकते हो। तो पहले प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई हो जाने के बाद प्याज, टमाटर भी डाल दिया मैंने, और लहसुन और कटी हुई हरा मिर्च। तो इन सबको अच्छे से फ्राई करनी है फ्रेंड्स। इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप लोग झटपट घर में ऐसे बना के सर्व कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो पहले मैंने जीरा पाउडर डाल दिया। अब डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा इसमें छोले मसाला मैंने डाल दिया। इसमें टेस्ट अच्छी आती है। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाल दिया और कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर्स के लिए, और डालेंगे हल्दी और सॉल्ट स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैं ये मसाला टेस्ट इंक्रीज के लिए एकदम चुटकी भर ही यूज किया है, क्योंकि दाल में ज़्यादा मसाला की जरूरत होती नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें मैं अब पनीर भी डाल रही हूँ, और मसाला को करना है अच्छे से फ्राई, क्योंकि मसाला जितना अच्छे से फ्राई होगा, जितना अच्छा ग्रेवी बनेगा कोई भी सब्जी दाल का स्वाद उतना ही अच्छा होता है। तो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल दिया मेरा बॉईल किया हुआ दाल। अब मैं इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी। पानी हमेशा गर्म ही ऐड करना चाहिए फ्रेंड्स, उसमें टेस्ट अच्छी आती है सब्जी का। तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि बॉईल करते टाइम ज़्यादा पानी मैंने नहीं दिया था, उसमें बॉइलिंग में टाइम लगती है, तो इसलिए मैंने जितना चाहिए था उतना देके ही बॉईल किया था। अब इसको ढक के 5 से 7 मिनट ऐसे ही फुल फ्लेम पे आपको पकाने हैं। उसके बाद चेक कर लेंगे। ये देखिए ठीक हो गई है और कितना अच्छा लुक्स भी आई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया का पत्ता, और ये एकदम रेडी है सर्व के लिए। आप इसके साथ रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो इसको अब मैं सर्व करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक, फाइनल लुक कैसा आया है। और न्यू फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में दी हुई बेल बटन को दबाना मत भूलना, और वीडियो पसंद आने से लाइक करना मत भूलना, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को कर देना शेयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।